तो हेलो गाइस, फिर से आपको वेलकम करता हूँ मेरे और एक नए ब्लॉग पे। तो मौसम हो रखा है ग्लूमी, बारिश देने का चांसेस है, संभावना है, लेकिन हम निकल रहा हूँ दाउस और रेडी हो चुका है। मैं जा रहा हूँ आज पिकनिक के लिए, 2024 का पहला पिकनिक जो न्यू लैब बैप्टिस्ट चर्च ऑर्गेनाइज किया गया है। सभी एंटायर मंडली मिलकर हम लोग आज पिकनिक सेलिब्रेट करने जा रहे हैं डिगारू कथा बकन में। तो क्या क्या होगा, कैसा होगा, सब कुछ आपको इसी ब्लॉग में देखने की कोशिश करूँगा, तो बने रहे मेरे ब्लॉग पे। तो लेट्स गो एंड एंजॉय द पिकनिक। तो मैंने ले लिया यहाँ में मॉन्स्टर खुद के लिए और माउंटेन ड्यू भी ले लिया, ठीक से जितना है पिकनिक में दबा के पीने के लिए ये ले लिया। तो चलते हैं आगे। स्कूटी को पार्क करा दिया, ये पास्टर जी का स्कूटी है। अभी मेरा बाइक वहाँ में, उसको भी लेके आना पड़ेगा। और यहाँ में हम लोग को देना है फी। क्या है यार, पिकनिक में तो खर्चा ही खर्चा है, बेकार का खर्चा यार। इसका तीन चार लोग से अपील फिर से करना चाहता हूँ, एक काट का लकड़ी का ब्रिज होने से बना दिए यार, बहुत तकलीफ है। फिर से मुझे एक क्रॉस करना पड़ रहा है, तकलीफ है ना। यहाँ छोटा सा होने से होता ना था, यहाँ से फंस, यहाँ से स्लिप है, पत्थर हाँ स्लिप है, आगे स्लिप है। ओ आपको बीच रहे हो तो मैं अपना भी बाइक को लेने जा रहा हूँ, उस पार मेरा बाइक रह गया। ये तो पूरा मैंने पानी बहुत बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता यार, तकलीफ है। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ वही सेम प्लेस जहाँ मैं न्यू लैब बैप्टिस्ट चर्च का यूथ का पिकनिक हुआ था लास्ट ईयर। तो आज है जनरल पिकनिक न्यू लैब बैप्टिस्ट चर्च 2024 में, हम लोग फर्स्ट एवर 2024 का मेरा पिकनिक रहेगा। तो सब मंडली आ चुका है, आप देख सकते हो। इसे कहता है पर जो एरिया है इसे कहता है कथा बगान, और ये पिकनिक स्पॉट के लिए बहुत फेमस है। यहाँ सिर्फ तेजू का वासी नहीं, पड़ोसी जैसे कि लोअर डिबांग वैली, नमसाई और इवन असम से भी लोग आते हैं यहाँ में पिकनिक सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ बहुत ही मतलब ये फेमस प्लेस है, पिकनिक स्पॉट है तेजू का। तो चले बने रहे मेरे साथ, और आज बहुत कुछ कुछ होने वाला है और क्या क्या होगा सब कुछ वो दिखाऊंगा। चलते हैं पिकनिक स्पॉट में और इन्जॉय करते हैं आज का पिकनिक। चलिए चलते हैं, ये छोटा सा गली, यहाँ से ही पिकनिक, ये रहा आपका पिकनिक स्पॉट। देखिए कितना खूबसूरत जगह है, ये सब कथा बागान कथा पेड़ है, कथा पेड़ के बीचों बीच ये स्पॉट जो है। और बहुत सारे जगह लोग बैठ के पिकनिक मनाते हैं, लेकिन हमने इस जगह को स्पॉट को चूज़ किया है। वाह वाह, बहुत ही बढ़िया और सुकून जगह है ये रहा मेरा बाइक। अभी चिकन लोकल सफाई चल रही है और वहाँ ब्रेकफास्ट बन के तैयार है। मर गया का मता है। अभी ये मैं चिमटा बनाऊंगा क्योंकि चिमटा नहीं है, तो इसे लोकल स्टाइल से ही चिमटा जो आग को उठाने के लिए, सब्जी को कुछ कुछ मिलाने के लिए ये बना रहा हूँ मैं चिमटा। इसको ऐसे छीलना पड़ता है, मैंने रिसोर्स तो जंगल में ही है, ढूंढने से आपको मिल जाता है ना। तो ऐसे आप अगर पिकनिक में अगर चिमटा नहीं लाया है तो ऐसे छील छील के साफ करके आप चिमटा चामूस बना सकते हो, यही स्टाइल जंगल में। रहा आपका बीफ का पेट, और ये पकने का कगार में है हम लोग का मास्टर जी, इसे पका रहा है, बहुत ही चाव से बहुत ही डिलीशियस होने वाला है ये। इसमें ढाला गया है गाय का पेट और ये लहसुन हल्दी जो भी जो ज़रूरी है पेट के लिए वो सब ढाला गया है। तो हमारा मास्टर जी बनाए, मास्टर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। Oh,
ये मेरा सब्जी अलग से पक रहा है, चिकन एकदम लोकल चिकन, क्योंकि मैं फ्राई नहीं खाता, फ्राई छोड़ दिया मैंने, तो ये रहेगा मेरा लोकल चिकन एकदम डिलीशियस। इसमें बास्टेंगा है और भूत मिर्चा है और कुछ कुछ इन्ग्रीडियंट्स अलग है, तो बहुत टेस्टी होने वाला है। इसको धुला के ना ऊपर से कर देगा, हो गया। तुम डाल दो कहाँ पकी कभी अभी देखो कुछ नहीं टेस्टी होगा, क्रंची टाइप का होगा, मजा होगा। तितो ना बनी भाई आली तो होता दो तो बड़ी तो मत आ रहे, तो मत आ ले जनारे हट। अरे हम लोग कुछ ले नहीं है अभी, इसलिए तो रोको एक्शन गरे उयो जला छ के गैस जला छ स्याहार्नु छ हुन दिन अब पछि दिन ननिकाल्न का निकाल हैन त्यो अण्डा निकालेको मैले इनको बच्चाहरुको यो निकाल दिन पुरा बर्बाद भयो अब उसले पका दिएको चकना कोही बात नहीं यार तुम्हारा पानी डाल ना नीचे से। अभी टाइम है फेलोशिप का और समय हो रखा है 2:25, 2:25 और अभी हम लोग अंकल को खींचा फेलोशिप स्टार्ट करने वाले हैं। कहीं भी हो जहाँ भी हो हम लोग ईसाई जो विश्वासी है, वन हो या घर हो या चर्च हो, हम लोग फेलोशिप तो करना ही और करते ही हैं। तो अभी फेलोशिप थोड़ा सा होगा 10-15 मिनट का, पास्टर जी लीड कर रहे हैं और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं सब लोग न्यू लाइफ बैप्टिस्ट चर्च के सब मंडली। अब देख सकते हो, दिखाता हूँ मैं आपको। हो गया सबका, थैंक यू। कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, ये इंस्ट्रक्शन क्या है बोलने से मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा, बोला है ना। तो पौल उस समय में क्या कर रहा था, वो बहुत ही दुख उठा रहा था। किसके लिए दुख उठा रहा था? प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके राज्य के लिए दुख उठा रहा था। आज तो हम लोग का ये समय में हम लोग अपने लिए दुख उठाता है, परिवार पालने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, अपना सुख सुविधा के लिए, खुशी के लिए हम लोग दुख उठाता है, कष्ट उठाता है। लेकिन पौल ने जो है उसने अपना लिए नहीं, उसने एक मसीह यीशु के लिए ना एक अच्छा योद्धा का समान उसने क्या किया, दुख उठाया है, उसने दुख सहा है। और वो पौल को भी इंस्ट्रक्शन, पौल जो है थिमोथी को इंस्ट्रक्शन करता है, आप भी एक अच्छा योद्धा का
और अब करना पड़ेगा खाने का बात तो हजम होने के लिए। बहुत खा दिया, तगड़ा से खा दिया। तो अभी पिकनिक हुआ ख़त्म और मैं भी लॉन्ग पैंट चेंज करने जा रहा हूँ जंगल में वन के अंदर में। सुबह में डबल डबल पहन गया था, गर्म लग गया, चेंज किया। अभी तो ठंडा होगी इसलिए जंगल के अंदर में जाके कहीं में ऐसे करके छुप के, मतलब ना कहीं छुप के कपड़ा सब पहन लेगा, इसके बाद जाएगा। और ज़्यादा बैठने से कहाँ होगा, बाइक में आए तो ठंडा हो जाएगा। ये जंगल में आदमी नहीं दिखा जा रहा हमें, तो रिस्क ये नहीं गंडा होगा। देखते बगल में तो सांप निकल जाते, गया शेर सांप। तो पिकनिक हुआ ख़त्म और मैं जाने वाला हूँ। अभी सूरज भी दिखे धड़ने का घर पे एकदम नीचे पहुँच चुका है, शाम का हो चुका है अभी 4 बजे, 4:30 तक अंधेरा हो जाएगा। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग न्यू लाइफ बैप्टिस्ट चर्च पिकनिक, जनरल पिकनिक। आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे और भर भर के सपोर्ट करें मुझे। आप लोगों का सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है मुझको। तो अभी के लिए इतना रखता हूँ, धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए, अभी तक देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सी यू इन ए न्यू ब्लॉग। टेक केयर, बाय।